हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेंद्र आज आपके लिए लाया हूँ एक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक चीज़ जरूर कहेंगे कि इसको एक डिबेट का पॉइंट कर सकते हैं, एक कंसर्न कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। रणबीर सिंह जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत जाने माने पहचाने हुए एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। उनकी मूवीज जो है वो आती हैं तो हिट होती हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बहुत पॉपुलर है इंडस्ट्री में। शायद ही कोई ऐसा हो बॉलीवुड में जो उनको ना जानता हो, इवन हॉलीवुड टू। तो अभी आज का जो ये वीडियो है ये रणबीर सिंह के ऊपर ही है। और यहाँ पर जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने देखा होगा आजकल न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इवन न्यूज बहुत सारे जहाँ पर न्यूज़ कंटेंट्स होते हैं ऐसे सभी प्लेटफॉर्म से आपने सुना होगा कि रणबीर कपूर ने अपना एक न्यूड फोटोशूट कराया है। अब देखिए, कहने के लिए तो ठीक है, हम देश में आज़ाद हैं, हम कुछ भी करवा सकते हैं, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बट रणबीर कपूर ने जो अभी फोटोशूट कराया है अपनी पॉपुलरिटी मेंटेन करने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए कि मैं इतना ओपन माइंडेड हूँ और मैं एक कंपनी के साथ टाई अप करके एक न्यूड फोटोशूट करवा रहा हूँ। तो देखिए, हम पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ लिखने के बाद हम एक अच्छी सोच अपने अंदर पैदा करते हैं। क्या रणबीर सिंह जो है क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, या वो समझदार नहीं है, या उनके अंदर समझदारी तो है बट पैसे की भूख ने उन्हें नंगा कर दिया? जी हाँ बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगा कि पैसे की भूख ने रणबीर सिंह को नंगा कर दिया, उतारू कर दिया इस चीज पर कि पैसा कमाने के लिए अगर कपड़े उतारने पड़े तो कपड़े भी उतार दो। क्योंकि कपड़े उतारने से जो पैसा मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जो आपकी इमेज बनती है, जो आपकी पॉपुलरिटी होती है, जो आपकी मार्केटिंग होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत जल्दी आप मैं कहूँगा इस पूरे विश्व के अंदर आप पॉपुलर हो जाते हैं। अगर इन केस कोई रणबीर कपूर को नहीं भी जानता होगा तो रणबीर कपूर ने अपने कपड़े उतारे हैं तो इस वजह से उनको जान गया होगा। अब दो मिनट के लिए एग्जाम्पल लेके चलें कि घर के अंदर अगर कोई पिता नंगा होके अपना फोटोशूट कराता है, उसके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है, उसकी अपनी घर में वाइफ है, एक नॉर्मल फैमिली है, तो ये किस हद तक वैलिड है? अगर यही चीज रणबीर कपूर ने की है तो वो कितनी वैलिड है? अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें तो नॉर्मल फैमिली का बंदा अगर अपने अंडरवेयर में भी अगर घर से बाहर दिख जाता है तो लोग उसको बदतमीज कहते हैं और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन क्योंकि रणबीर सिंह जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बहुत जाने पहचाने एक बहुत बिंदास कलाकार हैं, तो वो चाहे कुछ भी करें, वो नंगे घूमें, कपड़े पहने ना पहने, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या खुद रणबीर कपूर के अंदर दिमाग है इस चीज को लेके कि क्या वो न्यूड शूट जो करा रहे हैं क्या वो उनकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इतनी पॉपुलरिटी उन्हें और चाहिए कि उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े? क्या सही में कपड़े उतारना बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरीके से क्या सही है? न्यूडिटी जो है वो मैं हमेशा बात करता हूं अपने चैनल पर कि न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम की, तो अगर मैं बोलूं तो मुझे अपने चैनल पर आप लोगों को न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम के बारे में बताना ही नहीं चाहिए, न्यूडिटी के बारे में बिल्कुल बताना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग अगर कपड़े उतार के नंगे होकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो फिर क्या बात है, फिर तो हर एक आदमी को ही नंगा रहना चाहिए और नंगे होने से समाज में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। माना हम नंगे पैदा हुए थे बट इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जिंदगी भर नंगे रहे। पैदा तो हम बिना कुछ करते हुए पैदा हुए थे, मतलब हमारे लिए हमारी जिंदगी में कोई कमाई का सोर्स नहीं था कि हम पैदा होते ही हम इनकम करने लगे, बट फिर भी हम इनकम करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, एक अच्छी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, घर परिवार को, अपने सदस्यों को। वो हम ये सब चीजें अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों लाते हैं? हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है हमारा वो भी अच्छा हो और इसके साथ साथ हमारी खुद की सोच अच्छी हो, जिससे हमें अगर कोई देखे तो वो भी हमें एक तरीके से प्रेरणा ले, इंस्पायरेशन बने हम किसी के लिए। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बॉलीवुड के बहुत सारे केसेस इस तरह के पहले भी आ चुके हैं
और रणवीर सिंह ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। मतलब एक मेल होकर उन्होंने इस तरीके से जो ये न्यूडिटी का तमाशा किया है, ये पूरी तरीके से बिल्कुल मैं कहूँगा कि बदतमीजी है, क्योंकि हर चीज़ का कल्चर होता है। फिल्म इंडस्ट्री में बात करें तो जो मॉडल्स हैं, मैं कहूँगा फीमेल मॉडल्स हैं, उनमें ये सब चीज़ें एक तरीके से चल जाती हैं। जो ग्लैमरस होता है वो सब लेडीज़ में, फीमेल्स में चलता है, बट एक मेल में पैसा कमाने की इतनी हद, और वो भी इतने पॉपुलर एक्टर में, ये अपने आप में सोच पाना और सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए तो एटलीस्ट बिल्कुल ये एक, मैं कहूँगा कि जो रणवीर सिंह ने इस तरीके से किया है, ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से बदतमीजी है। अब इसमें हुआ क्या है कि एक बंगाली जो एक्टर है और इवन वो सांसद भी हैं टीएमसी की, उन्होंने भी इस पर एक कमेंट किया है कि अगर आप एक लड़की होते तो, सेम क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा था, उन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि अगर आप एक लड़की होते तो समाज आपको किस तरीके से देखता, समाज आप पर क्या कमेंट देता। इवन दो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुंबई के ही एक एनजीओ ने, जो चेंबूर में, चेंबूर पुलिस में जाके उस एनजीओ ने रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, और मैं कहता हूं कि जिस एनजीओ ने ये एफआईआर दर्ज कराई है उसने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि इस तरीके से समाज के अंदर जो पॉपुलर एक्टर या एक्ट्रेसेस नंगे होकर, न्यूड होकर अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं, इनको तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो न्यूडिटी है ये हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में बिल्कुल भी एडॉप्ट नहीं होती है। कहने के लिए कितने भी ओपन कल्चर दिमाग की बात कर लें, बट क्योंकि वो कल्चर इंडिया के अंदर है ही नहीं और उसको एडॉप्ट करना भी समझदारी नहीं है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताना कि रणवीर सिंह ने जो कपड़े उतारे हैं, जो नंगे हुए हैं, न्यूड करके फोटो शूट करवाया है, ये किस हद तक सही था, क्या सही में आपके बच्चे भी इससे कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, क्या आपके अंदर भी इस तरीके की फीलिंग आती कि यार सही में इस तरीके का न्यूड शूट कराना चाहिए। तो गाइज मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि रणवीर सिंह ने ये काम जो किया है वो कितना सही और कितना गलत किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।